ITC का Q4 का रिजल्ट आया है और आप लोग को मतलब आप लोगों में से जितने भी लोगों ने खरीद के रखा है ITC के शेयर में, तो आपने देखा है कि ये स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो अभी इसका एक डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है ITC ने Q4 में। तो मतलब जो इन्वेस्टर्स से एक तरह से बोल सकते हैं कि उनको ज़बरदस्त फायदा हुआ है ITC का शेयर खरीदने के बाद, अगर आपने ये शेयर 200-250 के आसपास खरीदा है तो। अभी उसके बाद अगर देखेंगे दोस्तों, तो इस शेयर में जो है कंटिन्यूअसली एक तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में इतने सारे मतलब बोल सकते बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन है हम लोग शेयर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप ये वीडियो देखते हैं पूरा कंप्लीटली, तो आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो डाउट है ITC के शेयर को लेकर, बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगा। रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों वीडियो पे पूरा बने रहिए, KPP स्किप मत कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल फिनो इच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए। वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों बताना चाहेंगे, हम लोग सेवी रजिस्टर्ड नहीं है। हम लोग कोशिश करते हैं आपके साथ जो है शेयर मार्केट से जुड़े इन्फॉर्मेशन लाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और ये वीडियो जो है सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज पर्पस के लिए है। जब भी कोई शेयर खरीदते हैं खुद से एक बार ज़रूर रिसर्च कर लीजिए, या फिर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र रहेगा तो ज़रूर डिस्कस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बात है दोस्तों। इसको अगर समझते हैं ITC के शेयर को, तो यहाँ पे 6 महीने से हम लोग देख रहे हैं इस स्टॉक का। तो 6 महीने के अंदर ITC का शेयर यहाँ पे देख सकते हैं आप, जहाँ पे स्टॉक का प्राइस लगभग 337 के आसपास चल रहा था। मतलब 6 महीने के अंदर भी अगर आप देखते हैं शेयर में जो यहाँ पे एक हाई प्राइस इसने बनाया था जो कि 430 रुपीज के ऊपर पहुंच गया था। तो यहाँ से अगर दोस्तों देखते हैं हम लोग जो यहाँ पे टारगेट मतलब जो देखते हैं, हाँ 430 के ऊपर ये शेयर पहुंचा। तो यहाँ से भी अगर समझते हैं स्टॉक को, तो लगभग बोल सकते कि दोस्तों ये शेयर जो है 100 रुपए के ऊपर भी रिटर्न दिया है। अगर आपने 350 के आसपास भी खरीदा है तो 80-90 रुपए यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिला रहेगा। 1 मंथ के अंदर बात करते हैं तो 1 मंथ के अंदर जो है स्टॉक पे 2.90% और 6 मंथ के अंदर 24.58%। वही बात करते हैं 5 डेज के अंदर स्टॉक में 0.11% के आसपास गिरावट बनता हुआ दिखा था। और जैसे ही इसका Q4 का रिजल्ट आया तो फिर से इसमें एक बार तेजी बनता हुआ देखने को मिल रहा है और एक दिन में स्टॉक में 0.10% यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है। जो शेयर मार्केट के एनालिस्ट हैं उसमें से 89% का मानना है कि ITC के शेयर में बाई करके चल सकते हैं, होल्ड करने के लिए 11%, सेल करने के लिए 0%। मतलब अभी जो एनालिस्ट शेयर मार्केट के, उन लोगों का मानना है कि इस शेयर में जो है सेल नहीं करना चाहिए ITC के शेयर में। अब देख सकते हैं कि ज्यादातर जो एनालिस्ट शेयर मार्केट के, उन लोगों का मानना है कि ITC के स्टॉक में बाई करके चल सकते हैं। ITC का मार्केट कैप आप देखिए अभी जो कि 5,21,604 करोड़ हो चुका है एंड PE रेशियो जो है 27.15 के आसपास है। तो इसका अभी समझते जो बोल सकते कि जो शेयर होल्डिंग का इंफॉर्मेशन है, शेयर होल्डिंग में दोस्तों ITC का आप देख सकते हैं जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है उनके पास 43.35% का स्टेक है, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 28.28% का स्टेक है, रिटेल एंड अदर्स के पास 18.90% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 9.47% का स्टेक है। तो यहाँ पे अच्छा खासा एक स्टेक लेके रखा है फॉरेन इंस्टीट्यूशन, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उन लोगों ने एक अच्छा खासा यहाँ पे स्टेक लेके रखा है। तो ITC के शेयर को लेके अभी डिटेल में समझते हैं कि स्टॉक में क्या किया जा सकता है। देखिए ITC के शेयर में जैसे तेजी बना है उसके बाद बहुत सारे मन में ऐसा बोल सकते हैं कि डाउट्स आने लगा या फिर क्वेश्चंस आने लगा कि अभी ITC के शेयर में क्या करना चाहिए, क्योंकि ये शेयर अगर देखेंगे 200-225 के आसपास चल रहा था और उसके बाद ये शेयर अभी 400 के आसपास पहुंच गए। तो बहुत सारे से इन्वेस्टर्स है जिन लोगों ने इसमें एक अच्छा खासा जो है बोल सकते कि मुनाफा भी लिया है, अच्छा खासा एक फायदा भी हुआ इस शेयर खरीदने के बाद। तो अभी ऐसे इन्वेस्टर्स सोच रहे हैं कि अभी स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ब्रोकर्स है ब्रोकरेज फर्म से, उन लोगों ने अपडेट दिया है ITC के शेयर को लेकर, वो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे शेयर कर रहे हैं आपके साथ। मोफा के ओर से ITC का जो टारगेट प्राइस दिया गया है ये है 440 रुपए का, 440 रुपीज का टारगेट प्राइस दिया गया है। और मोफा मेंटेनेंस है मेंटेन ए बाय ऑन ITC नोटिंग दैट द कोर सिगरेट बिजनेस रिमेन स्टेडी। तो ITC का जो सिगरेट बिजनेस है इन लोगों का मानना है कि ये स्टेडी रहेगा, आगे भी इसका जो अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है। द
फोर क्यू मतलब अभी जो फाइनेंशियल क्यू जो अभी फोर्थ क्वार्टर फाइनेंशियल 2023 का अर्निंग्स आया है उसमें अगर देखेंगे तो एक सिगरेट का जो बिजनेस है उसमें से एक अच्छा खासा प्रॉफिट इन लोगों को हुआ है। इट सेड दैट द कंपनी हैड सॉलिड क्वार्टर फॉर द अदर एफएमसीजी बिजनेसेस एज वेल। तो आईटीसी का एफएमसीजी का जो बिजनेस में पकड़ है बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो एफएमसीजी का प्रोडक्ट है उसमें से भी इन लोगों को जो अच्छा खासा एक फायदा हुआ है Q4 के रिजल्ट में। और वही बात करते हैं दोस्तों नोवामा जो है ब्रोकरेज उनके ओर से आप देख सकते हैं 500 का टारगेट प्राइस दिया गया है, 500 टारगेट प्राइस दिया गया है। नोवामा जो है फिलहाल यहाँ पे बाई करने के लिए कह रहा है आईटीसी के शेयर में उन स्टॉप बेस्ड टारगेट प्राइस ऑफ ₹500। तो आईटीसी का अभी यहाँ पे जबरदस्त क्वार्टर Q4 के रिजल्ट के बाद ज्यादातर ब्रोकर जो है उन लोगों का मानना है कि ये शेयर जो है अभी भी हम लोग होल्ड करके चल सकते हैं। वही अगर बात करते हैं दोस्तों कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज जो है यहाँ पे बाई करने के लिए कह रहा है आईटीसी के शेयर को, जहां पे आप देख सकते हैं 450 का टारगेट प्राइस दिया है एंड वी मेंटेन यहाँ पे जो है फाइनेंशियल 2024-25 ईपीएस रोल ओवर एंड रिवाइज एफबी टू ₹450 फ्रॉम 430। तो यहाँ पे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी से भी बाय करने के लिए कह रहा है आईटीसी के शेयर में। सिर्फ आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है अगर आप आईटीसी का शेयर अभी बाय करते जैसे कि इसका प्राइस थोड़ा ज्यादा ही है अभी 420 के आसपास पहुंचा है, आपको यहाँ पे अच्छी तरह से रिसर्च करके एक स्टॉप लॉस जरूर रखना है। अभी फिलिप कैपिटल देखते हैं तो 475 के आसपास यहाँ पे एक टारगेट प्राइस दिया है। वही बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे 495 का टारगेट प्राइस यहाँ पे दिया है। तो ज्यादातर एनालिस्ट जो है यहाँ पे 450 के ऊपर का ही एक टारगेट प्राइस मान के चल रहा है आईटीसी के शेयर में, जो हो सकता है कि आगे चल के देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे आईटीसी के शेयर में अभी जैसे कि Q4 का रिजल्ट आया है उसके बाद ही अगर आप देखते हैं तो ज्यादातर जो एनालिस्ट है उन लोगों का यही कहना है कि आईटीसी का शेयर जो है आगे चल के एक जबरदस्त रिटर्न दे सकता है। और जिस तरीके से आईटीसी का बिजनेस में ग्रोथ देखने को मिल रहा है ये जरूर एक स्ट्रॉन्ग शेयर बन सकता है। तो दोस्तों अभी बात आता है कि आईटीसी के शेयर में अगर हम लोग खरीदारी करते हैं तो इसका कितना टारगेट प्राइस, तो देखिए अभी जो हम लोगों ने टारगेट प्राइस देखा है 440 का भी एक टारगेट प्राइस है। अगर कोई स्टॉक में होल्ड नहीं करना चाहते तो एक छोटा मोटा टारगेट प्राइस रख के चल सकते हैं, और अगर कोई होल्ड कर सकता है तो 440 के आसपास भी एक टारगेट प्राइस रख के चल सकते हैं, एक स्टॉप लॉस जरूर रखिए। और यहाँ पे जो है आईटीसी ने एक जबरदस्त डिविडेंड भी दिया है, तो जिसके पास आईटीसी का शेयर है दोस्तों उनको एक डिविडेंड भी बहुत जल्दी आपके आपको जो है मिल जाएगा इसका आईटीसी की ओर से जो डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है। उम्मीद है जो भी इंफॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। और डिस्क्लेमर देना चाहेंगे दोस्तों हम लोग बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आपको जो है आईटीसी का शेयर खरीदना चाहिए बेचना चाहिए, जब भी कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं खुद से एक बार जरूर रिसर्च कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनो एज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।